चलिए अब बात दिल्ली के दंगल की, जिसमें संग्राम रोज बढ़ रहा है। एक बयान को लेकर इस समय बयान दिया है कपिल मिश्रा ने, और कपिल मिश्रा को नोटिस अब निर्वाचन आयोग की ओर से। रिटर्निंग ऑफिसर ने कपिल मिश्रा को नोटिस भेजा है भारत पाकिस्तान वाले बयान को लेकर। चुनाव प्रचार के दौरान कपिल मिश्रा ने कहा था कि 8 फरवरी को भारत बनाम पाकिस्तान होगा दिल्ली की सड़कों पर। इस मामले पर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है, एक नोटिस जारी किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से नोटिस कपिल मिश्रा को, मॉडल टाउन से बीजेपी के उम्मीदवार हैं कपिल मिश्रा। जी जहां हमारे सहयोगी फोन लाइन पर विश्वजीत, चूंकि चुनावी संग्राम है, खूब बयानबाजी हो रही है, ऐसे बयानों की भी कमी नहीं जो कि विवादित होते हैं। ऐसा ही बयान दिया कपिल मिश्रा ने, जिस पर उन्हें नोटिस दिया गया है। देखिए, ये हालांकि कल जब बयान आया था तो उसी वक्त से उस पर एक सवाल भी खड़े हो गए थे कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस तरह के बयान की क्या जरूरत थी, क्या ये पोलराइजेशन का एक तरीका नहीं है। और इसी वजह से लगातार जब विरोध हुआ और मीडिया में जब खबरें चली तो वहां के चुनाव आयोग की तरफ से कपिल मिश्रा को नोटिस भेजा गया है और उनसे इस बारे में जवाब मांगा गया, क्योंकि ये एक कल का दिन भर का ये मुद्दा बना था कि कोई भी बीजेपी उम्मीदवार इस तरह का बयान कैसे दे सकता है जबकि वो चुनाव मैदान में है, और दिल्ली के चुनावी रण में पाकिस्तान की चर्चा क्यों की जा रही है, हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान जो बात कही गई थी वो क्यों किया गया है। तो उसी पर उसमें पूरा टेक्स्ट लिख करके लिखा जो कपिल मिश्रा ने बयान दिया था उसी के आधार पर उनसे जवाब मांगा गया और कहा गया कि वो इस पर अपना सफाई पेश करें। और आइंदा ये भी एक तरह से हिदायत भी है कि इस तरह की चीजें वो ना करें जो कि जरूरत से बाहर जाती हो, जिससे कोई भी सांप्रदायिक उन्माद पैदा हो सकता हो या कोई भी जो आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता हो। लेकिन अब देखना होगा कपिल मिश्रा क्या जवाब देते हैं, क्योंकि कल जोश में उन्होंने ये बयान दिया था और बयान देने के बाद काफी सुर्खियों में आए थे, तो अब इंतजार है कि वो इसका जवाब क्या देते हैं, क्या अपना पक्ष रखते हैं, क्या वाकई जो उन्होंने कहा था उस पर कायम रहते हैं या फिर वो माफी मांगते हैं। शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए विश्वजीत।